समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है, उसी तरह क्या ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर भी गुजर रहा है? कभी ना कभी आपने ये सोचा तो होगा, और अगर नहीं सोचा है तो चलिए आज हम इस बात का पता लगाते हैं, और ये भी जानते हैं कि क्या टाइम ट्रेवलिंग की जा सकती है। समय यात्रा के बारे में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया, और इस सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। थ्योरी से पहले लोगों में एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह जो पृथ्वी पर है एक ही है, लेकिन इस अवधारणा को आइंस्टाइन ने गलत साबित कर समय की एक अलग ही परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं, पर समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है, और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो इस समय आपके ये वीडियो देखने के साथ हम सभी समय यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये ही समय यात्रा है। हमारी समय यात्रा की दर घंटे प्रति घंटे की दर से, यानी हम भविष्य में एक घंटा आगे जाने के लिए एक घंटे का समय लगाते हैं। अगर हमने इस टाइम को एक घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय यात्रा की जा सकती है। स्पीड भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यावहारिक तरीका है। जब हम प्रकाश की गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के अपेक्षा हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। ऐसी ही कुछ घटनाएं समय समय पर सुनने को मिलती हैं, जिनमें कई लोगों द्वारा दावा किया गया कि वो समय यात्रा कर वापस आए हैं। ये बात है साल 1935 की, जब हॉकर हार्ट्स नाम के एक विमान पर विक्टर नाम के पायलट ने उड़ान भरी थी, पर उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही पायलट ने पाया कि वह अपना रास्ता भटक चुके हैं और उनका विमान रडार के संपर्क से भी बाहर हो चुका है। पर कुछ समय बाद ही पायलट को एक सुनसान रनवे नजर आता है, और वहां वो अपना विमान उतार देते हैं, और विमान से बाहर आकर पायलट ने जब अपने आसपास देखा तो पाया कि उनके आसपास के विमान उनके समय से बहुत ही एडवांस दिखाई दे रहे हैं, पर उस रनवे पर किसी की कोई मौजूदगी नहीं थी, और उन्होंने फिर से उड़ान भरी और वो उस अनजान जगह से निकलकर वापस अपने देश लौट आए, तो उनको वापस देख उनके साथी पायलट के होश उड़ गए थे। विक्टर के मुताबिक वो रास्ता भटकने की वजह से 2 घंटे देरी से लौटे थे, पर जब वो वापस लौटे तो उनको गए हुए 2 साल बीत चुके थे, और जिन विमानों को विक्टर ने उस सुनसान रनवे पर देखा था ठीक वैसे ही विमानों को अपने रनवे पर देख विक्टर के भी होश उड़ गए थे, और विक्टर की मेडिकल जांच से पता चला कि वे बिल्कुल सच बोल रहे थे। और इस घटना से ये पता चला कि विक्टर टाइम ट्रेवल कर अपने समय में 2 साल आगे आ गए थे। इसे स्पेस टाइम कहते हैं। इसे मापा भी गया है 2 परमाणु घड़ियों की मदद से। एक घड़ी को जेट विमान में और दूसरी घड़ी को पृथ्वी पर रखा गया। जेट विमान की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी धीमी गति से चलने लगी, और ये प्रमाणित हुआ कि गति बढ़ाने के साथ समय को धीमा किया जा सकता है। एक दूसरी थ्योरी जो आइंस्टाइन ने ही दी है, जिसके अनुसार जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही हम पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है और टाइम की स्पीड स्लो हो जाती है। भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें अत्यंत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसे ब्लैक होल में होता है। अगर हम किसी प्रकार से ब्लैक होल में सुरक्षित चले जाते हैं तो हो सकता है हम टाइम ट्रेवल को एक्सपीरियंस कर पाएं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार टाइम ट्रेवल किया जा सकता है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आगे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।